मित्रों, मैं श्रवण कुमार पांडे। आज मैं अवकलन, जो डिफ्रेंशिएशन, अवकलन जिसका अंग्रेजी है डिफ्रेंशिएशन, आज मैं इसको पढ़ाऊंगा। जिसमें इसमें सबसे पहले इसका फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला जो हमारा है वो पहला फार्मूला है d by dx of x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस वन। अब ये हमारा फार्मूला हुआ d by dx of x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस। इस पर सवाल जैसे आती है d by dx of x की पावर 7 हो गई, इसको हम n बाहर है तो 7 बाहर हो गया, x की पावर 7 माइनस 1 n माइनस 1, तो 7 x की घात कितना हुआ 6। इसी प्रकार d by dx of जैसे x की पावर 10 है तो x की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 10 x की पावर 9, एक घात कम हो जाएगी। यही चीज अगर माइनस में होगा d by dx of x की पावर -10 है तो -10 x की पावर -10 -1, तो -10 x की पावर -11 प्राप्त होगा। ये हमारा d by dx। अब d by dx of x की पावर x जैसे है तो e की पावर x होता है, तो यहाँ पे d by dx of जैसे e की पावर x है तो e की पावर x होगा, ठीक। उसके बाद तीसरा फार्मूला जो है d by dx of cos tan, इसको हम cos tan का हमेशा जीरो होता है। जैसे d by dx of 5 है अकेला, ये जीरो हो गया। d by dx of a है अकेला, वो जीरो हो गया। ये सब हमारा जीरो होंगे, ठीक, कास्टेंट जो होगा जीरो। नंबर चार फार्मूला जो है हमारा d by dx of log x, log x का 1/x होता है, ठीक, d by dx of log x का 1/x। d by dx a की पावर x का होता है a की पावर x log x बेस में e, तो हमारा ये क्या हो जाएगा log a बेस में e होगा। अब इस जैसे इस पर सवाल देखते हैं तो d by dx of a की पावर जैसे x है तो a की पावर x है तो ठीक है, तो फार्मूला है d by dx of 5 की पावर x है, तो हमारा जैसे ये a तो 5 हो गया, 5 की पावर x log 5 बेस में e हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक। इस टाइप की सवाल लगेगी। इसी प्रकार d by dx of x बेस में a है तो 1/x होगा, log e बेस में a हो जाएगा, क्या होगा 1/x log e बेस में a। इसके बाद d by dx of sin x का cos x होगा, d by dx of cos x का -sin x होगा, -sin x। d by dx of tan x का sec² x होगा, d by dx of cot x का -cosec² x होगा, d by dx का sec x का sec x into tan x होगा, d by dx of cosec x का -cosec x into cot x होगा, d by dx of sin inverse x का 1/√1 - x² प्राप्त होगा, फिर d by dx of cos inverse x का -1/√1 - x² होगा, d by dx of tan inverse x का 1/1 + x² प्राप्त होगा, d by dx of cot inverse x का -, होगा जो tan का होता है उसी में माइनस लग जाएगा, 1/1 + x² होगा, d by dx of sec inverse x का 1/√x² - 1 होगा, d by dx of cosec inverse x का -1/√x² - 1, d by dx of cosec inverse x का क्या हुआ -1/√1 - जैसे अब सवाल पे कोई सवाल हम जैसे लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, d by dx of हमारा जैसे sin 5x है, क्या है sin 5x, sin 5x का जब हम करते हैं तो sin 5x को हम क्या लिखेंगे, हमारा जो होता है cos 5x हो गया, sin x का क्या था cos x, sin x का अवकलन cos x हुआ, तो इस प्रकार cos 5x हो गया। अब ये sin x का होता है ना हमारा cos x, तो ये 5x यहाँ पे अलग है, 5x है यहाँ, इसका पुनः करेंगे 5x का, पुनः करने का मतलब 5x का अवकलन 1 हो जाता है,
यक्ष का अवकलन एक प्राप्त हो जाएगा, तो पांच काज पांच यक्ष हो गया। ठीक इसी प्रकार डी बाई डी यक्ष आप जैसे साइन इनवर्स तीन यक्ष है, तो इसको हम जब करेंगे तो वन अपान अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का क्या होता है यक्स का, वन अपान अंडर रूट वन माइनस यक्स, वन माइनस यक्स का मान कितना है तीन यक्स का वर्ग हो गया। उसके बाद ये तीन यक्ष का पुनः करेंगे, तीन यक्ष का हमारा क्या हो जाएगा, तीन यक्ष का एक, हमेशा यक्ष का अवकलन एक होता है। ठीक इसी प्रकार डी बाई डी यक्ष आप अंडर रूट यक्ष का होगा, अंडर रूट यक्ष का क्या होता है इसको ध्यान देना, ये ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। डी बाई डी यक्ष आप अंडर रूट यक्ष, अंडर रूट यक्ष का जो होता है इसको डी बाई डी यक्ष आप यक्ष की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। तो अब इसका अवकलन जो होगा वन बाई टू बाहर होगा, यक्ष की पावर वन बाई टू माइनस वन होगा, तो एक बटे दो यक्ष की पावर माइनस एक बटे दो, आधा में से माइनस एक घटाएंगे तो माइनस एक बटे दो हो गया, एक बटे दो यक्ष की पावर एक बटे दो नीचे आ गया है, तो वन अपान टू रूट यक्ष प्राप्त होगा। ये हमारा क्या हो गया, अंडर रूट यक्ष का हो गया। अंडर रूट यक्ष का डायरेक्ट हम लिखेंगे वन अपान टू रूट यक्ष, इसको साल्व नहीं करेंगे यहां तक कि इसको साल्व करके हम दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार डी बाई डी यक्ष आप e की पावर थ्री यक्ष जैसे है, तो e की पावर थ्री यक्ष का e की पावर थ्री यक्ष हुआ, और थ्री यक्ष का पुनः करेंगे तो थ्री यक्ष का एक हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया थ्री e की पावर थ्री यक्ष हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं d बाई डी यक्ष आप टेन थ्री यक्ष है, टेन थ्री यक्ष का होगा sec स्क्वायर थ्री यक्ष, और थ्री यक्ष का पुनः किए तो थ्री हो गया, ये थ्री बाहर हो गया sec स्क्वायर थ्री यक्ष हो गया। ठीक ये ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जिनका उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो ये आज पहला लेक्चर चल रहा है, इसको कक्षा 11 में आपने कुछ पढ़ा भी होगा। अब इसका मेन फार्मूला जो आएगा वो हमारा है डी बाई डी यक्ष आप प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, प्रथम फलन गुणे द्वितीय, डी बाई डी यक्ष आप प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। तो ये फार्मूला कक्षा 11 में बताया गया है, प्रथम फलन डी बाई डी यक्ष आप द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन डी बाई डी यक्ष आप प्रथम फलन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रथम फलन ऐसे उतर जाएगा, अवकलन किसका करेंगे द्वितीय फलन का, प्लस द्वितीय फलन ऐसे उतर जाएगा, अवकलन किसका करेंगे प्रथम फलन का। जैसे कोई सवाल हम लेते हैं डी बाई डी यक्ष आप यक्ष साइन यक्ष, तो ये आपका प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया। तो इसमें हम जब लगाएंगे फार्मूला तो पहले क्या लिखा है, प्रथम फलन लिखा है, प्रथम फलन तो ऐसे उतर जाएगा यक्ष, अवकलन आप द्वितीय फलन डी बाई डी यक्ष आप द्वितीय फलन साइन यक्ष है, साइन यक्ष का अवकलन क्या हो गया कास यक्ष, प्लस अब द्वितीय फलन ऐसे उतर जाएगा द्वितीय फलन साइन यक्ष, अवकलन आप प्रथम फलन यक्ष का अवकलन एक हो गया।